कोरोना का और इस धरती का पुराना रिश्ता है। धरती पर 20,000 साल पहले भी कोरोना था, कोरोना बरपा चुका है कहर। और ये कहा किसने है? ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स का दावा है ये। चीन, जापान, वियतनाम के लोगों के डीएनए में कोरोना का अवशेष मिला है। पूर्वी एशिया के कई देशों के डीएनए पर यह रिसर्च हुआ। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यासिने सोयलमी और रे टॉबलर साइंस मैगजीन के करंट बायोलॉजी में उनका यह रिसर्च छपा है। रजनी सर, इस रिसर्च के बारे में आप अपने जवाब में बात जोड़िएगा, लेकिन अभी जो इससे पहले आईसीएमआर की स्टडी है, मैं उस पर एक सवाल चाहता हूं आपका। आईसीएमआर कह रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक होगा, इसके बारे में अभी कोई स्टडी है नहीं, और हो सकता है ये उतना गंभीर ना हो जितना हमने दूसरी लहर देखी। कितना इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं इससे सहमत हूँ काफी हद तक। देखिए, ऐसा है भी, अभी जो ये सेकेंड वेव था वो बहुत ग्रूसम था, बहुत लोगों को चपेट में लिया, तो काफ़ी सारे लोग इन्फेक्ट हुए, तो एक जनरलाइज इम्यूनिटी लेवल डेवलप हुआ है सोसाइटी में। दैट्स नंबर वन। सेकेंड, आफ्टर दिस वेव ऑल्सो द वैक्सीनेशन पेस फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज पिक्ड अप। तो बहुत सारा वैक्सीनेशन तेज होने की वजह से और बहुत सारे लोगों को कोविड होने की वजह से अब जो थर्ड वेव है वो एकदम से तेजी नहीं पकड़ेगा, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल हाई हुआ है, एंटीबॉडीज लोगों में ज्यादा बनी है, और लोग इन्फेक्ट हुए तो ऑब्वियसली उनमें एंटीबॉडीज बना। तो जब भी कोई एक लोग कोविड से इन्फेक्ट होता है, एंटीबॉडीज आता है, लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं है। इस स्टडी में ये भी कहा गया है कि जो लोग हो चुके हैं इन्फेक्ट, वो दोबारा इन्फेक्ट हो सकते हैं अगर उनकी इम्यूनिटी कम है। सर, एक छोटा सा 10 सेकंड का रिएक्शन इस पे भी। हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल इम्यून है, 100% ऐसा नहीं होता, बट सिवेरिटी कम हो जाता है, आईसीयू या मोर्टेलिटी कम हो जाता है, आईसीयू एडमिशन कम हो जाता है, वो भी 100% इम्यूनिटी नहीं होगा, बट यस, कम केसेस देखने को मिलेंगे। सो आइडिया इज, क्या हम थर्ड वेव में सेकेंड वेव जैसा ग्रेविटी देखेंगे? मुझे लगता है नहीं। थर्ड वेव का आना स्वाभाविक है, जैसे कहते ना कि बिल्कुल आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी हो, और ऐसा ही हो, क्योंकि इस देश ने वाकई दूसरी लहर में बहुत कुछ झेला है, और तीसरी लहर में वाकई अगर ऐसा होता है तो बहुत राहत की बात होगी लोगों के लिए, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट स्टडी इस बारे में है नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।